बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, ट्रैवल वॉइस के साथ मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 3 दिन से मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे मैंने विजिट वीज़ा लिया मैक्सिको सिटी का मॉस्को से। और बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तानी हैं वो दुबई वगैरह से वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ से भी उनको ईजिली मिल जाता है। अच्छा, इसका क्या प्रोसीजर और मैंने किस तरह लिया? मैं पिछले 3 दिन से ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुसलसल बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। और अभी भी मुझे 5 मिनट ही हुए हैं कि बारिश रुकी है, तो मैं जल्दी से आया हूँ और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं मॉल के अंदर घूमता रहा और मॉल के अंदर वीडियो बनाने की मैंने 2-3 दफ़ा छुपके से कोशिश की, लेकिन वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लिए बगैर आप बहुत देर तक सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, शॉर्ट क्लिप्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक आप मोबाइल हाथ में लेके वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। इस पार्क के अंदर भी परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप मुसलसल बहुत देर तक। इस वक्त सिक्योरिटी वालों ने मुझे किसी ने देखा नहीं तो मैं बनाना स्टार्ट हो गया हूँ। खैर, आते हैं मेन टॉपिक पर। मैंने मैक्सिको का विजिट वीज़ा कैसे लिया? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि फ्री बैठा हूँ और बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास, तो क्यों ना मैं शेंगेन वीज़ा या किसी भी कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाना शुरू करूँ ताकि मेरे पासपोर्ट के ऊपर कुछ वीज़े वगैरह लग जाएँ। एक फारिग ही बैठा हुआ था, चलें यही काम कर लेते हैं। तो मैक्सिको का मैंने वीज़ा लगवाने का सोचा सबसे पहले। तो मैंने मैक्सिको का वीज़ा लगवाने के लिए गूगल पर सर्च किया कि यहाँ पर एम्बेसी कहाँ पर है, उसका नंबर निकाला। उसके बाद मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट में ये था कि सबसे पहले आप वहाँ पर एक PDF फॉर्मेट में एक फॉर्म पड़ा हुआ था, वो फिलअप करना है। मैंने वो फॉर्म लिया और उसको फिलअप किया और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सारी की सारी अपने साथ फोटोकॉपी कर ली और ओरिजिनल भी अपने साथ ले गया। वो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए थी वो मैं अपने साथ एक पेपर पर लिख लिया मैंने, ताकि मैं कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मैं भूल ना जाऊँ तो आप लोग बाद में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये बात आप बताना भूल गए। तो मैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने साथ लिख ली हैं क्योंकि मैं यहाँ का नेशनल नहीं हूँ। नेशनल्स को तो जो रशियन नेशनल्स हैं उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। तुर्की हो गया या मोर देन 100 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, और मैक्सिको भी उसमें है, ब्राज़ील भी उसमें है, आप विदाउट वीज़ा जो है वो आप जा सकते हैं। तो मैं रेजिडेंट परमिट है मेरे पास, वीज़ा नहीं है, तो इस वजह से मुझे वीज़ा लेना ज़रूरी था। तो मैंने वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले मेरे पास रेजिडेंट परमिट जो है वहाँ का, आप विजिट वीज़े पर अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो आप यहाँ पर विजिट वीज़े पे अगर आए हुए हैं तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी मुल्क का यहाँ से। अगर वर्क परमिट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पर स्टूडेंट हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, 4 साल 5 साल के लिए आपके पास वीज़ा है यहाँ का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज विजिट वीज़े पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, या शॉर्ट टर्म वीज़े के ऊपर भी आप यहाँ पर किसी भी एम्बेसी से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप जिस कंट्री के आप नेशनल हैं उसी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जाके। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मुझसे मांगा गया रेजिडेंट परमिट, क्योंकि मैं रेजिडेंट परमिट है मेरे पास, तो मैंने रेजिडेंट परमिट की जो फोटोकॉपियाँ लगवाईं, उसके अलावा जो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, वो मैंने 6 महीने मेरा वैलिड मोर देन 6 महीने है तो मैंने वो उसकी कॉपी लगाई। जॉब सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर कोई जॉब करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, यानी कि उस सर्टिफिकेट पर क्या लिखा होगा कि ये हमारे पास इस वक्त तक अभी तक जॉब कर रहे हैं और इनकी ये सैलरी है, तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ होता है जो आपको रिक्वायरमेंट में ये आपको चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में $4,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए मस्ट है, और जो आपकी सैलरी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो भी उसके अंदर शो होनी चाहिए कि वो आ रही जा रही है। अगर वो शो ना भी हो रही हो, मतलब कोई पैसे आ रहे जा रहे हैं, $4,000 मिनिमम आपके पास अकाउंट में होने चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो उसके अलावा जो है वो जो यहाँ की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन यही होती है, पाकिस्तान में तो ऐसा सीन नहीं है कि आप पंजाब में रह रहे हैं तो कराची में भी आकर रह रहे हैं, कहीं पर भी रह लें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रशिया के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है। और रजिस्ट्रेशन ये होती है कि जैसे कि मैं मॉस्को में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जाके जहाँ पर भी नज़दीक में रह रहा हूँ, क्योंकि मॉस्को तो बहुत बड़ा शहर है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जाने में आपको 3 घंटे लगते हैं, वो भी मेट्रो ट्रेन में, गाड़ी में जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके 4 कोने आप लगा लें और 4 कोनों में 3-3 घंटे लगते हैं एक कोने से दूसरे कोने में जाने में, ये बहुत बड़ा सिटी है, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, तो जहाँ पर भी आप ये जिस तरह कराची में, मैं कराची का रहने वाला हूँ तो मुझे कराची का पता है कि डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है या टाउन्स वगैरह के या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, और नाम है उनके लेकिन इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आप जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएंगे, वो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगी होती है, पासपोर्ट पर सब लिखा होता है कि ये कहाँ पर रह रहा है और किस घर में रह रहा है, उसकी सारी रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर ही आपके वीज़े के साथ लगी होती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, जैसे मैं शादीशुदा हूं तो मुझे जो है मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, मेरी वाइफ क्या करती है, मेरी वाइफ के जॉब का सर्टिफिकेट कि वो उसकी सैलरी क्या है और वो कब से जॉब कर रही है यहां पर और उसकी सैलरी क्या है और क्या उनका डेजिग्नेशन है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो वाइफ का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। अच्छा, वीज़ा फीस क्या है जी? वीज़ा फीस जो है $55-$53 है और रशियन 5,000 रूबल बनते हैं, तो 5,000 रूबल मैंने दिए थे वीज़ा फीस, कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं किया था, खुद से मैंने सब कुछ ये किया, खुद से घर बैठा हुआ था, खुद से गूगल पे सर्च किया क्या चाहिए, एम्बेसी में कॉल की,
फिर उन्होंने कहा ये इस टाइम से इस टाइम तक आप आ सकते हैं। मैं पहले दिन गया, मैंने वहां से जाके वो फॉर्म भी मेरे पास था, वो फॉर्म तो मैंने फिलअप किया हुआ था, उसके अलावा मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और वो जाके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह खुद से जो है वो जमा किए और खुद से जाके जमा कराए और तस्वीरें वगैरह, मेरी 2 से 3 तस्वीरें चाहिए थी और मैंने 2 से 3 तस्वीरें भी जाके उनके पास वीज़े के ऊपर लगती हैं, वो मैंने जमा करा ली। अच्छा, और मैंने क्या लिखा हुआ है उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, लाइक मिसाल के तौर पर के 3 साल का है, 4 साल का है या 2 साल का भी है, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको उनका जो है वो स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो वेकेशन पे होना चाहिए, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप छुट्टियों पर हैं तो ही आप जा सकते हैं, विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इसकी छुट्टियां और ये हम इसको अलाउ करते हैं घूमने जा सकता है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है वेकेशन का। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको वही $4,000 आपको चाहिए होंगे, स्टूडेंट कार्ड आपका चाहिए होगा और वीज़ा जो आपका लगा हुआ है स्टूडेंट का वो चाहिए होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, जिनके पास वर्क परमिट है, वर्क परमिट वालों का भी एक सिंपल सा यही सीन है कि उनका पासपोर्ट, सबका पासपोर्ट तो पाकिस्तानी जो भी होगा वो वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, और वर्क परमिट वालों के पास वो जो वर्क परमिट है वो शो कराना होगा, जहाँ वो जॉब कर रहा है उसका सर्टिफिकेट, ये सैलरी है यहाँ हमारे पास जॉब कर रहा है, और जो है बैंक स्टेटमेंट वही $4,000 होने चाहिए, आपकी सैलरी आती जाती नजर आनी चाहिए, और जो है वो लीव एप्लीकेशन आपकी जो है वो होनी चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे पास है लेकिन ये छुट्टियों पे जा रहा है 1 महीने के लिए, हम इसको परमिशन दे रहे हैं, वही जो सर्टिफिकेट जॉब के साथ उसी पे लिखा हुआ होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन जो आप जहाँ रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए, 2 तस्वीरें चाहिए, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं रशिया से बैठ के। सिर्फ वो 3 लोग जो कि स्टूडेंट हैं या वो शादीशुदा हैं यहाँ पर मेरी तरह, रेजिडेंट परमिट उनके पास है या उनके पास अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस वीज़ा है, वर्क परमिट है, स्टूडेंट है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। इसी तरह दुबई से बैठ के भी या मस्कत से बैठ के भी या फिर शारजा से बैठ के भी, जहाँ मेक्सिको की एम्बेसी आपको नज़दीक पड़ती है, कोई कंसल्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें तीर नहीं है, सही है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपली जाना है और खुद ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। मैंने आपको बता दी जो रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट सिंपली आपके पास किसी भी मुल्क में आप रह रहे हो, इस वक्त इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यही रिक्वायरमेंट इनको चाहिए होती है वीज़े के लिए, ओवरऑल यही रिक्वायरमेंट चाहिए। और उसके अलावा जो है वो मैंने एक रेस्टोरेंट के अंदर जो मैंने एक लास्ट व्लॉग बनाया था उसके अंदर मैंने अली भट्ट का जिक्र किया था जो एक यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। मैं ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर रेस्टोरेंट की जॉब जो स्टूडेंट आते हैं वो ज़्यादातर सारे के सारे रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करते हैं, उसके हवाले से मैं एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मेरा पर्सनली जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वो रेस्टोरेंट का रहा है। और उसके अलावा मैं एक जो यहाँ पर ओजोन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर DHL होता है या पाकिस्तान के अंदर जो है लेपर्ड कंपनी है या TCS है, इस तरह की कंपनीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं जो पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन वो उनके जो जॉब्स मिलती हैं वो यहाँ पर उनकी फ्रेंचाइज में नहीं मिलती क्योंकि फ्रेंचाइज में जॉब के लिए आपको रशियन लैंग्वेज चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानी जॉब करते हैं वो ज़्यादातर या तो वेकेशन पे होते हैं क्योंकि सिटी से बाहर वो जाते हैं, बस लेते हैं फिर जाते हैं, और सिटी से बाहर उनके जो है वो वेयर हाउसेज हैं और वेयर हाउसेज के अंदर वो जॉब करते हैं, तो वेयर हाउसेज के अंदर उनको फिर वो रहने की जगह भी देते हैं क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप इतना नहीं सफर कर सकते 12 घंटे की आप जॉब करें और आप वहां से यूनिवर्सिटी आएं और आप सोएंगे कब, जाएंगे आएंगे, ये आने जाने में 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। ये सिटी इतना बड़ा है कि अगर आप इस सिटी में किसी भी जगह पर रह रहे हैं, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो मिनिमम भी यहाँ के लोग जो होते हैं वो 1 घंटे से 1.5 घंटे की तो मेट्रो ट्रेन नॉर्मल सी बात है यहाँ पर। अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, बहुत नसीब वालों को ऐसा होता है कि जैसे कि वो जॉब कर रहा है तो 30-20 मिनट्स की मेट्रो ट्रेन उसको मिल रही है। मेट्रो ट्रेन जो है वो जमीन के अंदर ही, क्योंकि ऊपर 9 महीने बर्फबारी होती है तो अंडरग्राउंड होती है, बहुत डीपली है और बहुत बड़ा जाल है इनका। जैसे हम एक रोड से दूसरे रोड से बस ले रहे होते हैं, जैसे हमारे जमीन के ओवरऑल पाकिस्तान में या इंडिया में ऊपर बसें चल रही होती हैं, इस तरह इनकी जमीन के अंदर ट्रेन चल रही हैं और 1-1 मिनट के बाद ट्रेन आती है, कहीं कहीं पर 30-30 सेकंड के बाद भी 1-1 ट्रेन आती है, तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल जहां पर भी लोग जो, ये मॉस्को सिटी बहुत बड़ा है, कराची का अगर आप अंदाजा लगाएं तो कराची शहर मिला लें, हैदराबाद भी मिला लें, सखर भी मिला लें, ये बहुत बड़ा शहर है। एक ट्रेन आपको ट्रेन लेनी पड़ती है एक कोने से दूसरे कोने में जाने में, और यहाँ पर 4 एयरपोर्ट हैं तो चारों कोनों में एक एयरपोर्ट है और एक एयरपोर्ट से दूसरे एक, यानी कि आपको जब भी किसी भी एयरपोर्ट पर जाना होगा मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा। तो बस ये बताना था, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं रेस्टोरेंट के हवाले से बताऊंगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनको क्या डिफिकल्टीज होती हैं और उनके साथ कौन चीट करता है। तो मैंने तो पिछले अपने व्लॉग में सब बता दिया था, लेकिन मैं डिटेल में इसके अंदर, क्योंकि मैं तो एज अ बार बॉय एज अ एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ जॉब की और मेरे साथ क्या हुआ मैं पिछले व्लॉग में बताया था, लेकिन जो आने वाला मेरा व्लॉग होगा मैं उसके अंदर बताऊंगा कि कौन से लोगों का क्या काम है और कौन क्या करते हैं। अगर पाकिस्तानी जिनको लैंग्वेज नहीं आती, नए स्टूडेंट हैं, तो वो लोग जाहिर सी बात है क्या करते हैं, उनको क्या जॉब मिलती है, और जॉब्स मिलती हैं, और जॉब्स में क्या मिलती हैं, ये सारी डिटेल मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बताऊंगा। और अगर मैं, जो मेरा अभी इरादा है किसी भी मुल्क अगर मैं नेक्स्ट विजिट वीज़ा अप्लाई करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि मेक्सिको का सबसे बड़ा मसला मुझे पता ही नहीं था, जो मैं नहीं जा रहा, मैंने कैंसिल कर दिया जाना, उसकी वजह ये थी कि मेक्सिको का जो रिटर्न टिकट है वो $3,000 का है, अंदाजा लगाएं। उसके अलावा आप जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपके पास जो है वो
पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए मिनिमम भी। आप अगर इतने दूर किसी कंट्री जा रहे हैं, और मेक्सिको का सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वालों को वो एंट्री नहीं देता है, यानी कि उसका रेशो 60-70% ये है कि वो एंट्री नहीं देता है पाकिस्तानी इंडिया बांग्लादेश वालों को, क्योंकि वो वहां से दूसरा सूबा उनका है, वहां से पाकिस्तानी जो लोग हैं या इंडियन है या बंगाली है वो वहां से डंकी मारते हैं और कैलिफोर्निया ह्यूस्टन का बॉर्डर लगता है, वहां जाके वो वहां से कहानियां करते हैं, तो आप लोग आगे समझ गए होंगे। तो एंट्री नहीं मिलती है, 70% लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। एक तो ये भी है कि एंट्री नहीं मिलती है, बहुत मुश्किलों से एंट्री मिलती है। सेकंड ये है कि आपके पास जो है होटल बुकिंग पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। टिकट आपका जाहिर सी बात है रिटर्न टिकट होगा, तो आप $3,000 का टिकट लेके जाएं और रिटर्न टिकट उसके अलावा पेड बुकिंग भी कराएं, उसके अलावा आपको एंट्री ना दें, फिर क्या होगा। इस वजह से मैंने जाना कैंसिल कर दिया। मुझे ये मैंने नहीं सोचा था कि इसका टिकट इतना महंगा होगा $3,000 का, तो मैंने इस वजह से जाना कैंसिल कर दिया। अब मैं किसी और मुल्क का सोच रहा हूँ कि मैं किस मुल्क का जो है वो विजिट वीज़ा लूँ ट्रैवल करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में उसका भी बताऊंगा, अगर मैंने अप्लाई किया तो, अगर नहीं किया तो वो भी मैं बताऊंगा। और इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मॉस्को सिटी से मोहम्मद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।